चंद्रमा, वेलकम टू दिस प्रोग्राम सक्सेस स्पीक्स। थैंक मुझे यू उम्मीद है कि इस प्रोग्राम को आपने पहले भी कई कई टॉपर्स के साथ देखा होगा। मेरे साथ में क्या जी। देखा आपने इसको पहले? यस सर, मैं देखती थी जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मैं वीडियोस देखा करती थी बहुत से टॉपर्स का और उनसे इंस्पिरेशन लिया करती थी। इस प्रोग्राम का मकसद यही रहता कि ताकि ज्यादा ज्यादा टॉपर्स को हो, इसलिए हम इस प्रोग्राम के माध्यम से ज्यादा फ्यूचर कैंडिडेट्स के लिए आए। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशंस कि आपको ऑल इंडिया 72 रैंक मिला है बहुत और धन्यवाद। यू आर गोइंग टू बी IAS नाउ। अभी सर्विस अलॉटमेंट आने वाला है यस सर, एंड इट विल बी यस रियली एक सेलिब्रेशन का अच्छा माहौल होगा घर में, राइट? सब लोग खुश जी हुए। हाउ यू आर फीलिंग आफ्टर दिस फाइनल सक्सेस? मुझे उम्मीद है कि चौथे अटेम्प्ट में फाइनली आपको समय सक्सेस मिला है। जर्नी जाने से पहले हम जानना चाहते हैं, हाउ आर यू फीलिंग दिस डे? सर, आई एम फीलिंग वेरी रिलीव्ड। पहली बात तो ये, क्योंकि बहुत सालों से इसमें लगी हुई थी, तो अब फाइनली जब रिजल्ट आ गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही रिलीफ महसूस हो रहा है। और ये भी लग रहा है कि जिस चीज़ के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं वो चीज़ फाइनली आपका ड्रीम जब ट्रू हो जाता है तो काफी सेटिस्फैक्शन मिलता है इंटरनली, तो वैसा मैं फील कर रही हूँ आज। एक आपने चंद्रिमा वर्ड ने यूज किया आपने फीलिंग रिलीव्ड, ये यस बड़ा सर, इंटरेस्टिंग वर्ड है। चूंकि ये आखिर क्या चीज है जो आपको लगा कि आई एम फीलिंग रिलीव्ड? अब हमारा थोड़ा हम चाहते हैं कि उस फीलिंग को बताइए लोग। सर क्योंकि जब आप इस प्रोसेस में होते हो, जब आप तैयारी कर रहे होते हो, तो आप एक बहुत ही ड्रिवन तरीके से एक चीज के पीछे भाग रहे होते हो। आप कंटिन्यूसली एवरी डे यू आर ट्राइंग टू पुश योर सेल्फ टू डू बेटर, तो यू हैव टू कंटिन्यूसली इम्प्रूव, कंटिन्यूसली अपडेट, कंटिन्यूसली अपने आप को एक बेहतर बनाने की कोशिश। तो उसमें क्या होता है कि इंसान बहुत ही ड्रिवन मोटिवेटेड तो रहता है, पर एक सेटिस्फैक्शन जो होती है ना, इनर सेटिस्फैक्शन, वो तभी महसूस होती है जब वो गोल अचीव हो जाता है। दो इट इज नॉट द एंड, बट हाँ, एक लगता है कि एक माइलस्टोन अचीव हो गया, तो ऐसे शांति जो होती है ना, इंसान की शांति, वो वापस आ जाती है गोल अचीव करने के बाद। तो हाँ, सर ये हम रहता है। इसको हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि एक रेस में जा रहे हैं, मान लो मैराथन में जा रहे हैं। तो जब हम जी पूरी अचीव करने के बाद जब डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं तो उस समय जो फीलिंग आती है कि ओके फाइनली आई एम हियर। यस सर, क्योंकि उस दैट बीच इज में आप डेफिनेट, काफी स्ट्रेस होता है, डाउट्स यस सर होता है, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच जी पाएंगे। जी जी सर, ये सब तो पार्ट ऑफ द लेकिन प्रोसेस है। ये सब आई थिंक हर कैंडिडेट फील करता है, ये सब इमोशंस, और ये सब नेचुरल भी हैं। बट हाँ, जब सक्सेस मिल जाता है तो वो सारे जो इमोशंस हैं वो एक तरह से वर्थ इट हो जाते हैं और एकदम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आई थिंक दैट वाज ऑल वर्थ इट एंड पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आपकी चूंकि जर्नी बहुत रोचक रही है, मैं अभी हम डिस्कस करेंगे हम लोग ये जो जर्नी है। कई बार ऐसा सिचुएशन आया होगा आपको जिसमें लगता होगा कि अब नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल है, कैसे आगे करें, ऐसी फीलिंग आती थी आपको? सर ऐसी फीलिंग मुझे आई क्योंकि मेरा सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट में प्रिलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ था। फर्स्ट अटेम्प्ट में जबकि मैंने प्रिलिम्स क्लियर करके मेंस भी लिखा था और मैं थोड़े से मार्क्स से ही रह गई थी कट ऑफ क्लियर करने में, तो जब नेक्स्ट टू अटेम्प्ट में प्रिलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ तो थोड़ा सा ऐसा माइंडसेट मतलब बन गया था कि शायद नहीं हो पाएगा या फिर पता नहीं कब क्लियर होगा या दूसरे ऑप्शंस देख लेते हैं। क्योंकि मेरा लॉ भी, मैं लॉ ग्रेजुएट भी बन चुकी थी, तो लग रहा था कि लॉ की तरफ जाते हैं। इनफैक्ट मैंने सुप्रीम कोर्ट में जाके इंटर्नशिप भी की 1 महीना कि देखने के लिए कि वहां भी थोड़ा ट्राई करते हैं अब क्योंकि नहीं हो रहा है। पर फिर जब मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस किया, ये नेगेटिव मोड से जब मैं बाहर निकली इवेंचुअली, तो मुझे लगा कि नहीं, मेरा जो असली गोल है, असली जो मेरा ड्रीम है वो सिविल सर्विसेज ही है। तो किसी और चीज में टाइम वेस्ट करके मैं लॉन्ग टर्म में अपनी हैप्पीनेस अचीव नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए आफ्टर ऑल दोज एक्सपीरियंसेस आई गॉट बैक टू द प्रेपरेशन। तो नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी, पर उनको बहुत हावी ना होने दें अपने आप पे। उनको एक चैलेंज की तरह लीजिए, उनको उनको एक टूल बनाइए जिससे आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर पाए। कहने का मतलब है कि जो आपका इधर ड्राइव था कि अपनी एक मंजिल की ओर पहुंचना, जी वो इससे आपको रुकने नहीं दिया। आपने इधर उधर थोड़ी बहुत अपनी परेशानियों में झांका कि चलो लॉ ही कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं। हमारे अब्दुल कलाम जी ने कहा ना, सपना वो नहीं जो मनुष्य में रात में सोते हुए देखता है, सपना वो आप खुली आंख से देखे सोना ना दे। तो यस आपका सपना भी कुछ इसी तरह का सपना रहा, आपने तभी आप आगे बढ़ पाए, राइट? यस सर, तो अब ये सारी जो शुरुआत है उसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। क्योंकि जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, अब आज आप एक अच्छे रैंक में आएंगे तो उनको लगता हो कि भाई आ गए, लेकिन हर सफलता के पीछे एक तपस्या है, एक जर्नी है, जी वो जानना बहुत जरूरी है। तो हम आपके साथ वही जर्नी हम लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं आपके डिस्कशन से, जो इस प्रोग्राम में आपने भी देखा है।
तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप रहने वाली कहाँ की हैं, आजकल कहाँ हैं आप, जरा बताइए। सर मेरा आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पानीपत हरियाणा। वहीं पे मैंने 12th स्टैंडर्ड तक स्कूलिंग की अपनी पूरी, बाल विकास स्कूल पानीपत से। और उसके बाद मैं दिल्ली आ गई थी अपनी ग्रेजुएशन के लिए, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। और मैं लास्ट 8 to 9 years से मैं दिल्ली में ही हूँ, क्योंकि मैंने वहीं पे अपनी हायर एजुकेशन की है और वहीं पे रह के सिविल सर्विसेज परीक्षा की प्रेपरेशन की। और अभी क्या करंटली आप जो है बचपन से के बहुत अच्छे स्टूडेंट थी, मेधावी छात्र थी, 10th 12th में या एवरेज थी, कैसी थी आप? सर एक्चुअली जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं इतनी पढ़ाई की तरफ इंक्लाइंड नहीं थी। इनफैक्ट मेरी मम्मी भी बताती है कि मैं बहुत ही एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में अपने आप को बिजी रखती थी। पर एक मेरा ट्रेट ये था कि मैं जिस भी एक्टिविटी में लग जाती थी, मैं उसमें एक तरह से बस गुम हो जाती थी। मतलब मैं उसी में अपने आप को पूरा एब्जॉर्ब करके उस एक्टिविटी को करती थी, जिस भी एक्टिविटी में लगती थी। पर 6th and 7th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, वहां से मेरी पढ़ाई की तरफ इंक्लिनेशन मेरा बढ़ा, क्योंकि फिर मैं काफी सीरियस भी हो गई कि नहीं, मुझे पढ़ाई भी करनी है, मुझे एक अच्छा कुछ बन के दिखाना है, कुछ अच्छा काम करना है अपनी लाइफ में। ये कब रियलाइज हुआ आपको? सर ये 6th 7th स्टैंडर्ड में बस अपने आप ही नेचुरली वो मूड बन गया पढ़ाई का। पर उसके बाद भी मैं पर कंफ्यूज थी कि किस करियर में अपने आप को लेकर जाना है। ये तो पता था कि हाँ पढ़ाई अच्छी लगती है, पढ़ना अच्छा लगता है, पर एक करियर डायरेक्शन सेट नहीं हो पाई थी। इनफैक्ट 11th 12th में जब अपना चूज करना होता है सब्जेक्ट, तो मुझे लगा कि क्योंकि मुझे साइंस पढ़ने में मजा आता है, मुझे साइंस अच्छी लगती है, तो मैंने दोनों ही सब्जेक्ट्स ले लिए, मैथमेटिक्स भी और बायोलॉजी भी, क्योंकि मैं कंफ्यूज थी कि मुझे करना क्या है। मैं उतना श्योर नहीं थी उस वक्त, और मुझे ये था कि इंजीनियरिंग में भी इतना इंटरेस्ट नहीं है और मेडिकल या डॉक्टर बनने में भी इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने दोनों सब्जेक्ट ही रख लिए कि चलो नॉलेज गेन करते हैं, साइंस अच्छी लगती है तो साइंस पढ़ते हैं। फिर उसके बाद कॉलेज में भी यही हुआ कि मुझे लगा सेंट स्टीफन्स कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, एक्सपोजर मिलेगा, अपने आप को एक्सप्लोर कर पाऊंगी वहां जाके, अपनी लाइफ के बारे में और जान पाऊंगी, तो इसलिए सेंट स्टीफन्स भी चूज किया मैंने वहां जाके। पर कॉलेज में जाकर जो मैंने एक्सपीरियंसेस लिए, वहां पे मेरा सिविल सर्विसेज की तरफ रुझान हुआ, क्योंकि मैं वहां पे एक सोसाइटी थी, सोशल सर्विस लीग, उस सोसाइटी के में मैं इन्वॉल्व हुई। वहां पे मैं अलग अलग जगह जाती थी, जैसे कि ऑर्फनेज होम्स हो गए, रैन बसेरा दिल्ली में हो गए, फिर वहां पे मैंने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया, मैंने वॉलंटियर किया एज अ टीचर टू टीच अंडर प्रिविलेज्ड किड्स जो शाम को आते थे हमारे कॉलेज में पढ़ने के लिए। तो इन सब एक्टिविटीज से मुझे लगा कि मैं वैसा काम करना चाहूंगी जिसमें एक सोशल इम्पैक्ट पड़े मेरे काम से, कुछ सोसाइटी में मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊँ। तो वहां से फिर मेरा इंक्लिनेशन सिविल सर्विसेज की तरफ हुआ। ये आपके कॉलेज के, चूंकि मैं भी जाता रहा हूँ आपके कॉलेज में, एक सिविल सर्विसेज सोसाइटी भी आपकी बनी, उसमें मेरा भी काफी योगदान उस समय के स्टूडेंट के साथ रहा है जो बना रहे थे। तो इसका मतलब है कि आपके अंदर करियर की जो क्लैरिटी आई कि सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए, आईएएस बनना चाहिए, जब आप उस सोशल सर्विस सोसाइटी के साथ हम जुड़ी बेकार, जी। तो आपको लगा कि भाई सिर्फ डिग्री हासिल नहीं करना है बल्कि कुछ ऐसा करियर लें जिसमें कि मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं। दैट इज वेरी पावरफुल ऑफ दैट। तो एक यहाँ एक इंटरेस्टिंग, उसमें घर के लोगों का मोटिवेशन और योगदान क्या रहा, कौन कौन है फैमिली में आपके? सर फैमिली में सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस या इंस्पिरेशन जो मेरे लिए रहे वो मेरे दादाजी थे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल थे, और वो अभी तक अपनी लास्ट ब्रेथ तक ही वो कॉन्स्टेंटली यू नो यूज टू कॉन्स्टेंटली टॉक अबाउट माई एजुकेशन, वॉट वी वॉन्ट टू डू इन लाइफ। एंड ही वॉज ऑल्सो अ वेरी एविड रीडर, सो ही यूज टू रीड बुक्स, ही यूज टू बोरो बुक्स फ्रॉम मी। मतलब वो मुझसे किताबें लेके जाते थे मेरे बुक शेल्फ से निकाल के, और बोलते थे कि ये बुक कैसी है, ये मुझे दे दे पढ़ने के लिए। तो उनसे मेरा जो था ना वो पढ़ाई का इन्फ्लुएंस सारा दादाजी से ही मेरा रहा। कहते क्या थे जो है? दादाजी वो सर मेरे हरियाणा सिविल सर्विसेज में थे, ही वॉज अ डिप्टी कमिश्नर इन दी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, एंड ही रिटायर्ड गवर्नमेंट फ्रॉम दैट। सर्विस का जो इनके इन्फ्लुएंस लगता है कि आपके दादाजी से ही आया है। यस सर, थोड़ा बहुत कह सकते हैं, पर इतना क्लियर नहीं था पहले, बट बाद में जब क्लैरिटी आई तो फिर वो कॉलेज के टाइम पे ही आई, जो सोशल सर्विस लीग के थ्रू मैंने एक्टिविटीज की। पर हाँ अब अगर मैं हाइंडसाइट में देखूं तो लगता है कि हाँ शायद से दादाजी को देख के वो सब इम्बाइब कर लिया था मैंने शायद से चाइल्डहुड में, और वही बाद में जाके फिर एक्सप्रेस हुआ
मेरे को। दादाजी का अब क्या डेथ हो चुका है उनका? यस सर, सर लास्ट ईयर इन दिसंबर 2019। ओके ओके, बट हिज ब्लेसिंग्स फॉर देयर। अभी वो होते तो श्योरली आप उनकी खुशियां और भी बहुत ज्यादा होती। दादी श्योरली सर, आप दादी माँ हैं आपके साथ, तो दादी माँ है अभी जी। चलिए उनके लिए बहुत गरिमा की बात होगी अभी। लेकिन जी आपके फादर क्या करते हैं, फादर और मदर क्या करते हैं? सर, मेरे फादर बिजनेसमैन है, ही इज अ कॉन्ट्रैक्टर एंड ही डज हिज ओन बिजनेस, एंड माय मदर इज अ होम मेकर। तो उनका भी सपोर्ट बहुत रहा, ऐसा नहीं है, उन्होंने मुझे पूरी फ्रीडम दी कि मैं जितने टाइम के लिए प्रिपेयर करना चाहती हूँ। अगर मैं दिल्ली रहना चाहती हूँ तो उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला कि तू घर आ जा या तू ऐसे कर ले। उन्होंने मुझे हमेशा फुल फ्रीडम दी कि मैं जो भी मैं करना चाहती हूँ उन्होंने मुझको वो करने दिया। तो उस टाइप में मेरे जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा लिबरल एंड दे वर वेरी सपोर्टिव ऑफ माई ड्रीम्स। एंड मम्मी भी स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रही है मेरे और मेरे भाई की अपब्रिंगिंग में। हमेशा ये हमारा ध्यान रखना और हमें ट्यूशन छोड़ के आना, हमें ट्यूशन से लेकर आना, हमें पूरा सपोर्ट देना, नर्चर करना। तो सबका सपोर्ट ही रहा है आई थिंक इस सक्सेस में, और क्यूमुलेटिव एफर्ट्स हैं सब लोगों के फैमिली आपने में। भाई की भी चर्चा की है, तो भाई क्या करता है आपका? सर मेरा भाई अभी रिसेंटली उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है फ्रॉम बिट्स पिलानी, और अभी वो कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू उसकी जॉब लग गई है, और ही विल सून स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम होम इन एक्सिस बैंक। तो देखते हैं आगे क्या प्लान्स बनते हैं उसके। वैसे उसे भी पसंद है सिविल सर्विसेज की लाइन, बट वो थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहता है क्योंकि अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ है, तो ऐसी हाँ कोई बिल्कुल, जल्दी भी नहीं है। यंग है, फिर आपको भी सर्विस में आगे ग्रो कर देखेगा तो नेचुरली उसकी मोटिवेशन जी, तेज हो जाएगी। मुझे देखकर आई थिंक उसको थोड़ा और अब जाग गया है कि शायद मैं भी करना चाहता हूँ, तो आगे देखते हैं। तो चंद्रमा, मुझे लगता है कि आपकी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, तो ऐसी जी मोटिवेशन में आप जो है, जो फैमिली के मेंबर्स हैं, जो आगे भी पेरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे कि चाहे फैमिली का कितना बड़ा रोल है और फैमिली को कैसे सपोर्ट करना चाहिए अपने बच्चों को उस मामले में? सब फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है किसी भी इंसान के सक्सेस में। और आई थिंक दैट जो भी पेरेंट है और उनका बच्चा कुछ भी करना चाहता है, स्पेशली लड़कियां, लड़कियों के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि अगर कोई लड़की कोई ड्रीम अचीव करना चाहती है तो उसके पेरेंट्स को उसे फुल फ्रीडम, फुल सपोर्ट देना चाहिए। और सिर्फ सपोर्ट, सिर्फ रिसोर्स वाइज नहीं, इमोशनल सपोर्ट। उनमें एक बिलीफ दिखाएं कि नहीं, आपका बच्चा, उन्हें बोले कि वो कर सकते हैं, तो उससे उनका जो आत्मबल है, जो कॉन्फिडेंस है, वो और ज्यादा बढ़ेगा और वो और एफर्ट्स पुट करने की कोशिश करेंगे। तो पेरेंट्स सिर्फ आपका मटेरियल सपोर्ट आपको नहीं देते, बल्कि वो सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो इमोशनल सपोर्ट है जो वो आपको देते हैं। बहुत बड़ी चीज है, वो इंसान को रुकने नहीं देता, आपको जी झुकने नहीं देता, आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। यस चंद्रिमा, ये पूरी जर्नी आपकी शुरुआत ही काफी इंटरेस्टिंग दिखी है, तो सबसे पहले आप 4 अटेम्प्ट का जरा जर्नी बता दीजिए कि हुआ क्या। ये सफर बड़ा इंटरेस्टिंग सफर है, कब शुरू किया ये तो क्लियर हो जी गया ऑडियंस को भी, कि भी आपके दिमाग में जो भावना आई कि हाउ टू चूज अ करियर, आई थिंक यू मेड ए वेरी वेरी कॉन्शियस एफर्ट, और जो एक्सपीरियंस से बताया। लेकिन यस शुरुआत के तौर पर ये 4 अटेम्प्ट का सफर थोड़ा ब्रीफ में पहले बताइए। सर, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 2016 में। तो उस टाइम पे मैं लॉ में थी और मैंने फर्स्ट ईयर अपना लॉ का बस कंप्लीट ही किया था, तो मैंने इतनी पढ़ाई लॉ की भी पूरी नहीं हो पाई थी। लॉ कॉलेज में ही मैं थी तब, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी सिविल सर्विसेज की। मैंने बस एनसीईआरटीज पढ़ी और मैंने सोचा कि हाँ, एनसीईआरटीज बेसिक बुक्स हैं, बेसिक फाउंडेशन बन गई है, थोड़े बहुत टेस्ट किए प्रिलिम्स के, और सोचा कि चलो अब एग्जाम देते हैं। तो उस टाइम पे फिर प्रिलिम्स तो हो गया मेरा क्लियर, पर मेंस के लिए जो प्रेपरेशन चाहिए वो मिसिंग थी फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैंने आपने फोकस सारा प्री पे कर दिया होगा और फिर जी, हाँ क्योंकि मैंने पूरा साल जो था उससे पहले मैं रोज डेली कॉलेज भी जाती थी, कॉलेज की भी क्लासेस होती थी लॉ में, और वहाँ का भी थोड़ा काम होता था, तो इतना फोकस नहीं बन पाया बिल्कुल भी। तो उसकी वजह से मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ। फिर जो मेरा ऑप्शनल था फर्स्ट अटेम्प्ट में वो लॉ था, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं लॉ पढ़ रही हूँ तो यही ऑप्शनल रख लेते हैं। उसमें ही मैंने यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचा कि कौन सा ऑप्शनल अच्छा रहेगा, मैंने सिर्फ ये सोचा कि हाँ, मैं लॉ कर रही हूँ अभी तो लॉ ही ऑप्शनल रखते हैं। जी फिर उसके बाद मेरी एक अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन भी थी स्टार्टिंग से ही कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करूंगी। मुझे बहुत ही ज्यादा वो था कि नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है, क्योंकि मेरे को एग्जाम का जो ट्रू नेचर है वही समझ नहीं आया था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट बस एक मन में था फर्स्ट अटेम्प्ट करें, फिर एग्जाइटी टेस्ट सब ले लिया होगा आपने उसमें।
तो वही मेरा पूरा स्ट्रेस तो तभी बिल्डअप हो गया था कि जब मैंने ये सोच लिया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है। तो फिर जब नहीं हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि इतना ज्यादा हाइप कर दिया था अपने दिमाग में, तो उसका जो इफेक्ट था अपनी मेंटल स्टेट पे, उसकी वजह से मैंने अपना सेकेंड अटेम्प्ट भी खो दिया। मैंने उसकी भी प्रेपरेशन ढंग से नहीं की, तो मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में प्रिलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ। बॉय जी जी तो उसके बाद फिर मुझे थोड़ा वो लगा कि नहीं, एग्जाम को समझते हैं पहले, ऐसे तो नहीं चलेगा, लॉ के साथ साथ तो नहीं हो पा रहा है, मैं दोनों चीजों को मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, और लॉ का सिलेबस भी बहुत बड़ा है, मेरे को जीएस भी पूरा करना है, जीएस ऐसा कोई सब्जेक्ट लेते हैं जिसके साथ भी ओवरलैप हो। तो इस सेकेंड अटेम्प्ट के प्रिलिम्स के फेलियर के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं पूरी अपनी एनर्जीज अब सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में डालूंगी, और मैंने ऑप्शनल भी ऐसा चूज किया PSIR, जिसका ओवरलैप था जीएस पेपर 2 के साथ, एथिक्स के पेपर के साथ, और जो एक सिलेबस भी उसका कम था और उसकी कोचिंग भी इजीली अवेलेबल थी, और मैंने देखा कि हर साल बहुत से टॉपर्स भी आ रहे हैं PSIR के साथ, तो शायद स्कोरिंग पोटेंशियल भी अच्छी है इस पेपर की। तो इन सब फैक्टर्स को देख के मैंने वो सोचा कि मैं PSIR के साथ दूंगी। तो तब मैंने PSIR की क्लासेस ली, मैंने फिर से अपनी जीएस की वो क्लासेस ली, मैंने वहां से अपना फाउंडेशन फिर से बिल्ड किया, और फिर मैंने अपना थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट दिया सिविल सर्विसेज के लिए। थर्ड अटेम्प्ट में फिर मैं प्रिलिम्स में रह गई 2 मार्क्स से, क्योंकि मेरी जो क्लासेस थी वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गई थी। जून में प्रिलिम्स था और मई तक मेरी क्लासेस ही चल रही थी, जो ये PSIR की क्लासेस थी, तो उसकी वजह से फिर मेरा प्री का फिर से मेरा प्रेपरेशन लैग हो गया और मैं फिर से नहीं क्लियर कर पाई। बट आई थिंक दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, क्योंकि अगर मेरा थर्ड अटेम्प्ट का प्रिलिम्स क्लियर भी हो जाता तो शायद मैं मेंस क्लियर ना कर पाती फिर। फिर वो मेंस रह जाता जी आपका। तो वो जो प्रिलिम्स नहीं क्लियर हुआ ना, उसने मुझे 1 साल दे दिया पूरा कि मैं फोर्थ अटेम्प्ट के लिए अपना पूरा प्रेपरेशन रखूं, मेंस के लिए भी रखूं, प्री के लिए भी रखूं, अपना ऑप्शनल भी रखूं, टेस्ट भी दूं। तो तब मैंने पूरा ब्रेक लिया 1 साल का, मैंने सेल्फ स्टडी पे फोकस किया, मैंने कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन नहीं की, मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी की, और मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, जीएस की टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज, प्रिलिम्स की टेस्ट सीरीज, और सिर्फ अपने चेक और कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दिया कि मैं अपने आप को बेटर कर पाऊँ हर डे, हर टेस्ट के साथ मैं और बेटर बनूँ। तो इसी वजह से आई थिंक मुझे फोर्थ अटेम्प्ट में ये सफलता मिली है। तो ये मेरी पूरी जर्नी रही यूपीएससी की, और लॉ भी मैंने इसलिए स्टार्टिंग में लिया था क्योंकि मुझे लगता था कि मैं खाली बैठ के शायद से इतना नहीं कर पाऊंगी सीएससी की प्रिपरेशन, मुझे एक एकेडमिक कंटिन्यूटी भी रखनी है, मुझे अपने आप को थोड़ा और अपग्रेड भी करना है, तो इसलिए मैंने लॉ भी ले लिया कि चलो लॉ की डिग्री भी अच्छी होती है, वो भी काम आएगी आगे, तो मैंने उसको भी फिर कंटिन्यू किया, और फिर बाद में एक पूरा साल देके मैंने चौथा अटेम्प्ट दिया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आपकी जर्नी में, क्योंकि आपने सबसे पहले तो पहला अटेम्प्ट लिया, जी राइट, उसमें आपका प्री हो गया, तो एक बार तो फीलिंग आई होगी कि चलो प्री हो गया तो कोई खास नहीं जी हो गया, क्योंकि आपने सिंसियरली मेहनत किया और वो जी डिस्परेट थी कि भाई मुझे पहले अटेम्प्ट में करना है। लेकिन आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जो वॉच कर रहे हैं आपको उनको जानना चाहिए कि जो आपने कहा कि इतना ज्यादा बोझ ले लिया कि पहले अटेम्प्ट ने, कि आपने अपने अंदर बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी कर लिया, जी फ्री माइंड से आप पढ़ नहीं पाए, जी राइट, यस तो वो मीन्स खत्म हो गया। फिर उसके बाद आप फिर सेकेंड अटेम्प्ट में गई तो उसका रिफ्लेक्शन फिर वहां भी आ जी गया। फिर जी आपने ऑप्शन चेंज किए तो उसका हो गया कि पहले लॉ का सोचा फिर पब्लिक पॉलिटिकल साइंस, फिर जी जी ले लिए, तो ये पूरा निकल कर आता है कि एक सहजता से एक सिस्टमेटिक प्रिपरेशन बिना क्लियरिटी का हाथ नहीं डालना चाहिए। तो यस हम आप ही से जानना चाहेंगे कि जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, जिनको, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन होता है, थर्ड भी होता होता है है, सर, यस सर, लेकिन सिलेक्शन तभी होता है जब उस अटेम्प्ट में पूरी आप तैयार हो जाए, प्री मेंस इंटरव्यू मानसिक तौर पे पूरा आप तैयारी आपकी अच्छी हो जाए। जी अपने अनुभव से आप क्या कहना चाहेंगे, कोई भी कैंडिडेट तैयारी शुरू करने जा रहा है या बीच में फंस गया है कि नहीं वो उसका सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है पहले जी में दूसरे अटेम्प्ट में, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको रुक करके या जो शुरू करें उनको क्या करना चाहिए? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इस एग्जाम में घुसने से पहले, इस एग्जाम की तैयारी करने से पहले, आप एक बिगर पिक्चर को देखिए, आप अपने आप को समझिए, आप इस एग्जाम को समझिए, क्योंकि आप अपने आप पे अगर अननेसेसरी बर्डन डाल देंगे कि मुझे ये गोल लेना ही लेना है, अचीव करना ही करना है, तो आप प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, आप अपनी पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, आप उस गोल की तरफ ज्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि गोल तो कभी, देखो रिजल्ट तो कभी आपके हाथ में है नहीं, क्योंकि रिजल्ट तो एक आउटकम है आपके एफर्ट्स का,
तो आप अपनी पूरी एनर्जीज अपने एफर्ट्स में डालिए, ये मत सोचिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करूंगी या करूंगा या मेरे को यही बनना है। मतलब एक रहता है कि हाँ ये मेरा बिगर गोल है, यही मुझे करना है, बट उसका एक अननेसेसरी हवा नहीं बनाना चाहिए, उसको एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ लेना चाहिए और पेशेंस के साथ अपने एफर्ट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। जो कहते हैं ना कि कर्म पे ज्यादा फोकस करो और फल की चिंता इतनी मत करो। जो भगवत गीता का जो एसेंस है वो यही है, जी जो आप जी बहुत अपनी सहजता से प्रैक्टिस करके आपने समझा दिया कि जी जब आप अपने फल की इच्छा के प्रति आसक्त हो जाते हैं, तो जी जो उसके लिए जो मेहनत करना है या होल माइंडेडनेस चाहिए, पीस जी ऑफ माइंड चाहिए, पेशेंस चाहिए, वो सब खराब हो जाता वो है। सब खराब हो जाता है। हाँ, आपका दिमाग बार बार वो लक्ष्य के ऊपर चला जाएगा कि वहां जाके बैठ गए, ठीक जी है, गोल पे निगाहें रखनी है, जी लेकिन होनी वो चाहिए जहां कि आप उस प्रोसेस में, वो एक्शन है, टाइम है, वहां तक जी पहुंचने के लिए पूरी जर्नी तो तय करनी पड़ेगी। वो यस जर्नी को भूल करके बार बार सोचे नहीं हुआ तो मुझे यस आगे करना नहीं, तो उसमें गड़बड़ होता है। में गड़बड़ होता है। इसमें लक्ष्य पे निगाहें और सिंसियरिटी टुवर्ड द होल जर्नी प्रोसेस। यस, सो दैट इज द की मंत्रा फॉर दिस एग्जाम। कि हाँ, डिटैचमेंट का ज्यादा मकसद ये होता है कि ये नहीं कि आप लक्ष्य डिजायर नहीं छोड़ रहे हैं कि या आप लक्ष्य से निगाह नहीं हट रही है, लेकिन जो जर्नी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चाहिए तो यस सर, उसको तो आपको प्रॉपरली सिंसियरली और पूरी पेशेंटली तो लेना ही पड़ेगा। यस सर, मैं यही कहना चाह रही थी कि आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट से ही। फर्स्ट अटेम्प्ट में ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़े ही जा रहे हैं, बुक्स पे बुक्स कवर करे जा रहे हैं, पर आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से ऑप्शनल की प्रिपरेशन करनी है। एक स्ट्रैटेजी सबके पास होनी चाहिए, चाहे उनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है या फोर्थ अटेम्प्ट है। चंद्रमा, आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं स्ट्रैटेजी, यस इसके बारे में कई बार स्टूडेंट को एक कंफ्यूजन होता है कि किसी अलियापी का स्ट्रैटेजी या किसी का टॉपर का स्ट्रैटेजी उठा लिया और जस्ट उसको कॉपी करने लग जाते हैं। आपको नहीं लगता है हर व्यक्ति की अपनी स्ट्रैटेजी होती, अपना यस एक सर, प्लान? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हर टॉपर की एक अपनी स्ट्रैटेजी है और वो आपको खुद ही डेवलप करनी होती है अपने आप को समझकर, उससे तो रेफरेंस ले सकते हैं, जानकारी ले रेफरेंस सकते। ले सकते हैं। यस सर, पर आपको एक प्लान्ड तरीके से पढ़ाई करनी है, आपको सिर्फ पढ़ते नहीं रहना है, आपको ऐसे प्लानिंग करनी है कि आपके डेली टारगेट्स भी अचीव हो, आपके वीकली टारगेट्स भी अचीव हो, आप टेस्ट भी दे पाएं, आप टेस्ट को रिवाइज भी कर पाएं, आप अपनी मिस्टेक्स को भी एनालाइज करते रहें। तो पूरे प्रोसेस में आपको एक तरह से अपने आप को बेटर करते रहना है, तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी और एक प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है मेरे आपने हिसाब एक से। स्ट्रेटेजी की बात की, उसमें एक कहते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन, है ना। आधा, एक बार यदि शुरुआत अच्छी हो जाए तो जो जी लोग शुरू करना चाहते हैं या अभी क्लियरिटी नहीं है उनके लिए क्या कहना है कि हाउ दे शुड बिगिन, व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच, कैसे स्टार्ट करें हम लोग? सर, स्टार्ट अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो मैं कहूंगी पहले आप सिलेबस को देखिए, आप यूपीएससी एग्जाम के पैटर्न को देखिए कि प्रिलिम्स में क्या आता है, मेंस में क्या आता है, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। आप एक तरह से उसको समझिए, उसको एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस स्टेज ऑफ एग्जाम में किस चीज की डिमांड है। अगर आप उस डिमांड को समझ गए तो आप उसी तरीके से फिर प्रेपरेशन करेंगे। तो आई थिंक कि बच्चों को पहले वो चीज समझनी चाहिए और उसके बाद उनको गाइडेंस भी लेनी चाहिए और लोगों से। अगर आप बिल्कुल ही क्लोज्ड ऑफ होके आइसोलेटेड होके पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी आप कुछ की चीजें भूल जाएंगे या वो छूट जाएंगी। तो अपनी एक अच्छे से इंफॉर्मेशन लेके अपनी सराउंडिंग से एक स्ट्रैटेजी बनाइए, एग्जाम को समझिए और फिर एक प्लान बनाइए, अपना ईयरली प्लान बनाइए कि मैं इस मंथ में, इस साल के इस मंथ में ये करूंगा, इस साल एक्शन के। प्लान, एक्शन प्लान जी, तो प्रोडक्ट। एक प्लान बनाइए आप। आपने बहुत अच्छे वर्ड यूज किए, अवेयरनेस। सबसे पहले जैसे बुद्धा ने कहा, जो भी कर रहे हो जी यदि अवेयरनेस से करेंगे हम, तो यस आपकी पे जी कोई कमी भी रहेगी या कोई चांस में मिस भी कर गए तो आप अवेयरनेस के साथ फेल करेंगे, तो आपको उसको करेक्ट करना आसान होगा।
लेकिन आपको ये पता ही नहीं कि कमी क्या थी, तो आप सिर्फ एफर्ट्स पर एफर्ट लगाते जाएंगे। जी, तो ये आपने बिल्कुल बहुत सही बात इंटरेस्टिंग है। बात कही जिसको मैं रिएम्फेसाइज करना चाहूंगा कि सबसे पहले जो मेरा भी अनुभव रहा है, जो स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते रहते हैं, पहले तो सिलेबस को ध्यान से नहीं देखते, या कह लीजिए कि सीधे डाउनलोड करके छोड़ दिया और ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी सब पढ़ना शुरू कर दिया मोटी मोटी किताब। जबकि यूपीएससी काफी टाइम लगा के एक सिलेबस फ्रेम करती है, रिसर्च करती है, और उस सिलेबस का मकसद है कि वाइल प्रिपेयरिंग सिलेबस आप उसके साथ साथ ऑफिसर बन जाए, तो उस चीज को नजरअंदाज किया नहीं जा सकता। आइडियली हो सके तो अपने हैंडराइटिंग से एकदम सिलेबस को उतार भी लें, राइट, एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हमेशा सामने रखें कि क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज इन द प्री, व्हाट इज इन द मेंस, हाउ थिंग्स हैज हैपेंड, इवन देयर आर लॉट ऑफ स्क्रिप्ट बीइंग शेयर्ड बाय द इंटरव्यू, और आप लोग टॉपर्स वगैरह दिखाएं कि इंटरव्यू में क्या पूछता है, सो दैट यू नो द कंप्लीट पिक्चर, एंड देन इन द राइट मेंटोरशिप एंड गाइडेंस, दैट इज, एंड गुड पीपल अराउंड की जिनके साथ कम्युनिकेशन अच्छा हो, दैट इज वेरी गुड। तभी आपके स्ट्रेटेजिकली आपने शुरू के 3 साल के स्ट्रगल को अचानक आपने इतने बड़े शानदार सक्सेस में बदल दिया, दैट इज वेरी वेरी गुड। इसमें जो स्टार्टिंग के प्रिपरेशन है, एक जो सजेस्टेड होता है, आप भी शायद कहना चाहेंगे कि एनसीईआरटी बुक या 10+2 लेवल के सिलेबस के ऊपर में उसको कैसे पढ़ना चाहिए और क्या तरीका अपनाना चाहिए आपके हिसाब से? सर मेरे हिसाब से जो एनसीईआरटीज हैं वो बहुत ही बेसिक बुक्स होती हैं। हाँ उसमें उसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, पर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है स्ट्रक्चर क्रिएट हो एनसीईआरटी। जाए। यस सर, तो अगर हो सके, अगर आप कॉलेज में हैं अभी, तो आप कॉलेज में ही अपनी एनसीईआरटीज पढ़ लें, ताकि जो एक साल है, जो अटेम्प्ट से पहले का एक साल होता है, उसमें आप अपनी बेसिक बुक्स कवर कर पाए। जैसे कि हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई, तो ये सब बुक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एनसीईआरटी आपका बिल्डिंग ब्लॉक है, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी। तो वो आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, थोड़ा सा रोक रहा हूं मैं। आपने कहा कि भाई स्कूल कॉलेज के जमाने में कर लीजिए आप, है ना, जी तो जी आप क्या ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि 12th के बाद ही जिनको जाना है कॉन्शियस हो जाना चाहिए, और साथ साथ थोड़ा कॉन्शियस होकर पढ़ते जाएं तो ये सब फंडामेंटल पहले क्लियर हो जाएंगे, राइट? यस सर, यस सर, बिकॉज एनसीईआरटी फॉर्म्स द फंडामेंटल ऑफ दिस एग्जाम। तो अगर आप कॉलेज में ही डिसाइडेड है कि आपको सिविल सर्विसेज ही करना है, तो आप एनसीईआरटी तो पढ़ ही सकते हैं, उसमें ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगता है, उसको स्लोली स्लोली पढ़िए, आप आराम से पढ़िए, क्योंकि जब आप प्रेपरेशन में होते हैं, जब आपके पास प्लान होता है, तो तब आप आराम से नहीं पढ़ सकते एनसीईआरटी को। तब आप एनसीईआरटी खोल के पढ़ने लगेंगे, तो बहुत सा टाइम चला जाएगा और आपको और चीजें भी कवर करनी होगी। तो आप पहले ही एनसीईआरटी कवर कर लीजिए, उसे आराम से समझिए, और फिर जाके अपनी एडवांस बुक्स को उठाइए। और कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, वो एक और चीज कर सकते हैं, वो रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डाल सकते हैं, क्योंकि उससे भी आपका जो माइंडसेट है वो ब्रॉड होता है, आपको जनरल नॉलेज काफी इंक्रीज होती है, आपको वर्ल्ड के बारे में पता चलता है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग भी वो लोग कर सकते हैं जो भी स्टार्ट कर रहे हैं इस प्रेपरेशन को। ये तो आपने अपने अनुभव से बताया कि थोड़ा लेट हो गया जो आपके साथ, जिससे टाइम लग गया, लेकिन मान लीजिए आप कुछ लोग जो आपके जैसे लेट हो गए पढ़ने में, तो वो तो ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करते हैं, तो नेचुरली उनको सारा उसी प्रोसेस से फिर गुजरना पड़ेगा करने के लिए। तो आपने एक आग जितना जल्दी हो जाए, ये नहीं किया तो कम से कम ग्रेजुएशन के बाद इमिजिएटली कर जरूर दीजिए आप, जी सर, ग्रेजुएशन जिनकी हो गई है उनके लिए मैं ये बोलूंगी कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनकी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ज्योग्राफी हो गया। ज्योग्राफी में अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाते हैं, तो भी आप ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, तो बहुत उसके लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। पर जैसे पॉलिटी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, उसके लिए एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आप ऑलरेडी, आपको पता होती है जो आपने स्कूल लाइफ में एजुकेशन ली है, तो उसमें आपको फिर से एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं, उसमें आप सीधा एडवांस बुक्स में जा सकते हैं, जो लोग अभी ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए। एक बहुत बड़ी समस्या होती है इंफॉर्मेशन ओवरलोड का, इतना ज्यादा आजकल गूगल में इतनी सारी मटेरियल, टॉपर्स टॉक, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। तो मेरा जो जो अनुभव है, जो स्टूडेंट कई बार परेशानी हो जाती है कि वो कितना डाइजेस्ट कर सकेगा, वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने में लगे रह जाते हैं, और चाहिए वो चाहिए भी फ्री, वो भी फ्री, इतना सारा मटेरियल। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना उनके समय की अपनी कीमत है, उसके टाइम की कीमत, उसके हिसाब से उनको कितना और कैसे जुडिशियस हों ताकि वो एकदम टू द पॉइंट रहे और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड में ना पड़े। सर इसमें मैं अपना एक उदाहरण देना चाहूंगी अपने ही जर्नी का। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा कोई प्लान नहीं था, एज सच कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी मेरे पास, तो मैंने भी बहुत बड़ी बड़ी बुक्स उठा ली थी, मैंने बिपिन चंद्रा भी पढ़ी, मैंने अपने ऑप्शनल के लिए भी बड़ी बड़ी टेक्स्ट बुक्स उठा ली, और
और मैंने कोई नोट मेकिंग नहीं की, मैंने नोट्स ही नहीं बनाए किसी चीज के, तो मेरे साथ भी वो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड वाली प्रॉब्लम हो चुकी थी। अच्छा पर उसके बाद मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था स्पेशली, उसमें मैंने प्लान बनाया और प्लान में मैंने सारे सोर्सेज को डेमार्केट कर दिया कि मैं इस सब्जेक्ट के लिए इतनी ही बुक पढ़ूंगी या एक ही बुक पढ़ूंगी या दो ही बुक पढ़ूंगी। तो जब मेरे पास वो लिस्ट आ गई तो मैंने उस लिस्ट के बाहर कुछ नहीं देखा, क्योंकि मेरा प्लान बना हुआ था, मेरे पास सोर्सेज लिखे हुए थे मेरे पेपर पे, तो वो प्लानिंग से मेरा जो सोर्सेज थे वो लिमिटेड हो गए और मैंने उसके अलावा कहीं और दूसरा सोर्स नहीं देखा टिल मेंस एग्जाम। मेंस के लिए भी मैंने सिमिलरली अप्रोच यही रखी, मैंने हर जीएस पेपर के लिए सोर्सेज बनाए कि मैं जीएस पेपर वन के लिए ये सोर्स रखूंगी, इनके लिए ये, अगर ऑनलाइन भी मुझे कोई सोर्स रेफर करना था तो वो भी मैंने जॉट डाउन कर दिया कि ऑनलाइन मैं इसी वेबसाइट को देखूंगी, इससे अलग मैं सेकेंड वेबसाइट पे नहीं जाऊंगी। तो ऐसे डिमार्केट करने से क्या हो गया कि आपको एक डायरेक्शन मिल गई, आप कंफ्यूज नहीं रहोगे सोर्सेज को लेके और आप फोकस तरीके से प्रिपेयर करोगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो ऑडियंस को या फ्यूचर स्टूडेंट्स को जानना चाहिए, आपने कहा कि अपने सोर्सेज को भी आप ब्लॉक कर दीजिए कि यही पढ़ना है, आइडेंटिफाई कर लीजिए, ये नहीं कि कहीं से कुछ फ्री मिल गया कहीं हो गया तो आप 10 तरह के साइट में जा रहे हैं, मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, फोटो स्टेट इकट्ठा कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी। तो इसमें क्या होता है कि अधिकांश लोग जो है तैयारी करने के तैयारी में लग जाते हैं हमेशा के लिए, दे विल नॉट बी एबल टू कंक्लूजन, तो दे मस्ट आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज एंड देन मेक एक्शन प्लान और उसके अकॉर्डिंगली करते चले। अभी आपने एक चर्चा की कि न्यूज़पेपर को लेके करंट अफेयर्स जिसका बड़ा रेलेवेंस है, चंद्रमा हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स जिसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, राइट? तो इसके बारे में पहले आप बोलिए फिर थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। जी सर, सर सबसे पहले तो करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर आपका बेसिक सोर्स है, आपको न्यूज़पेपर तो डेली पढ़ना ही है। आप टाइम सेट कर सकते हैं दिन का कि आपको सुबह पढ़ना है या रात में पढ़ना है, जैसे भी आपकी आपको कंफर्टेबल लगे। न्यूज़पेपर से आप नोट्स भी बना सकते हैं और आप नोट्स ना भी बनाए तो भी आप सही तरीके से कर पाएंगे प्रेपरेशन। मैं बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाती थी न्यूज़पेपर से, अगर कोई न्यूज़पेपर में कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल आया है जिसका मुझे लगता है कि मेंस में भी रेलेवेंस है, प्री में भी रेलेवेंस है, तो मैं एक रजिस्टर में बस वन लाइन में उसको नोट कर लेती थी ताकि मैं एंड में देख पाऊं कि अच्छा ये करंट इवेंट्स हुए हैं साल भर में। फिर जब प्री के पास मैं आ गई थी, प्री के का टाइम था, तो मैंने जो मंथलीज होती हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की, मैंने उनका भी सहारा लिया, मैंने अपने न्यूज़पेपर के नोट्स को उनसे सप्लीमेंट किया। मैंने दो इंस्टीट्यूट की मंथलीज रेफर की थी क्योंकि उससे ज्यादा फिर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो न्यूज़पेपर प्लस टू अदर मंथली मैगजीन्स ऑफ एनी गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट। पर उस तो आप ये जरूर कोशिश करिए कि एटलीस्ट 2 बार रिवाइज कर लीजिए प्रीलिम्स से पहले, अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि पता तो है इस क्वेश्चन के बारे में पर वो रॉन्ग मार्क हो जाएगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं हुई हेड में, तो उसको रिवाइज जरूर कर लीजिए। और करंट अफेयर्स के लिए टेस्ट सीरीज भी सोर्स बन जाती है क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ही ब्रॉड एरिया है, कुछ करंट अफेयर्स कहीं पे भी कवर नहीं होते पर उनसे टेस्ट सीरीज में आपके जो गैप्स होते हैं वो फिल हो जाते हैं। अब टेस्ट में कोई क्वेश्चन आया जो करंट अफेयर से रिलेटेड और आपने नहीं पढ़ा है तो जब आप टेस्ट को रिवाइज कर रहे हैं तो उसको उसके सॉल्यूशन को पढ़ लीजिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसको भी याद कर लीजिए। तो करंट अफेयर्स प्रीलिम्स के लिए तो मैंने इतना ही किया और मेंस के लिए फिर से मैंने मेंस की एक मैगजीन आती है कोचिंग की वो मैंने यूज की और न्यूज़पेपर रीडिंग मैंने एंड तक रखा टिल मेंस, तो एवरी डे आई यूज टू रीड न्यूज़पेपर्स। बाकी कुछ टॉपिक्स होते हैं मेंस में जिनके सोर्सेज क्लियरली डिफाइंड नहीं होते तो उनके लिए थोड़ी बहुत गूगल रिसर्च भी आप कर सकते हो, कुछ भी टॉपिक है उसका नाम लिखिए और लिखिए यूपीएससी गूगल में तो बहुत से आर्टिकल्स आ जाते हैं, उनमें से जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप एक आर्टिकल पढ़ लीजिए और उसको भी जॉट डाउन कर लीजिए। तो ये करंट अफेयर्स के लिए इतना ही मैंने प्रिपेयर किया। इसमें एक सवाल है कि न्यूज़पेपर में बहुत कुछ होता है ना, लेकिन क्या छोड़ें क्या पढ़ें, रेलेवेंट कैसे रहे करंट अफेयर्स में, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि हाउ टू सेलेक्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड न्यूज फ्रॉम न्यूज़पेपर और कैसे अपने को हम सही डायरेक्शन में रख सकें करें, उसके लिए क्या कहना चाहिए? जी सर, सबसे पहले तो इसके दो तरीके हैं। सबसे पहला तो अगर आपको सिलेबस पता है तो आपको पता होगा कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद पास्ट ईयर पेपर्स, अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स देखेंगे मेंस के भी प्रीलिम्स के भी तो आपको पता रहेगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या ऐसी न्यूज इंपॉर्टेंट होती है, तो इन दो तरीकों से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है।
और बहुत सी न्यूज आर्टिकल्स होते हैं जो कंटिन्यूअस होते हैं, जैसे अगर कोई इशू चल रहा है तो उस पे रोज ही आर्टिकल आ रहा है एक हफ्ते तक। तो ये इन्फॉर्मेशन लगातार आ रहा होगा, राइट। इसमें जी क्या है कि आपने जो बताया पहले थोड़ा सा आपको रुक के डिस्कस कर रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट ये है कि आप यदि सिलेबस से फेमिलियर है, आपने बहुत बात अच्छी कही कि सिलेबस के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी जी है, इकोलॉजी है, एनवायरमेंट है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, जस्ट उससे रिलेटेड। तो जब सिलेबस की क्लैरिटी होगी तो इसका जी मतलब है कि एनीथिंग विच कम्स ऑन इंटरनेशनल रिलेशन और बिल्कुल इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स और एथिक्स, तो आपके पास अपने आप मिरर जैसा छलक रहा होगा कि ये सिलेबस का हिस्सा है। जी दैट इज वन थिंग, इज दैट वन। सेकेंडली, जो आपने कहा कि कुछ रिपीटेड आर्टिकल्स आ रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं, जी राइट, तो एक ओपिनियन भी बनना शुरू हो जाता है कि किस जी चलते सर लोग बने। करेक्ट। जी सर एंड क्या आपने कोई अपने नोट्स भी बनाए या आपने पढ़ कर करके जस्ट एक इंटरलाइज करने की कोशिश करी? सर मैं नोट्स बनाती थी न्यूज़पेपर के, पर वो बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं हो पाए। बीच में जैसे प्रिलिम्स अगर आ रहा है तो तब मैंने शायद से छोड़ दिए होंगे। दो लास्ट के 2 मंथ्स में मैंने नोट मेकिंग न्यूज़पेपर से छोड़ दी थी, पर उससे पहले तक मैं न्यूज़पेपर के नोट्स बनाती थी। पर नोट्स मैं पूरा नहीं कॉपी करती थी, पर मैं सिर्फ एक हेडिंग बना देती थी। जैसे अगर कोई स्कीम आई है नई, या कोई इशू चल रहा है, वाटर क्राइसिस का इशू चल रहा है, तो मैं बस हेडिंग बना रही थी कि वाटर क्राइसिस, ताकि मुझे ये याद रहे कि इस टॉपिक को मुझे कवर करना है जब भी एग्जाम आएगा। तो वो न्यूज़पेपर से मुझे पता चला कि कौन से बताया कि टॉपिक। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट करते थे, उसको जी मार्क करके आप रख जी लेते थे ताकि वो चीज कभी छूट ना जाए। छूट दैट्स ना ब्रिलियंट। जाए। यस चंद्रिमा, थोड़ा हम लोग प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी और प्रिपरेशन पे बात करेंगे, क्योंकि ये भी बड़ा क्रुशियल है कि हालांकि ये ठीक है कि यदि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन ना करें तो प्री क्वालिफाई होता, फिर मेंस नहीं होता। जी तो आप इस चीज को एग्री करेंगे जो आपने लास्ट में सबसे पहले किया कि प्री मेंस इंटरव्यू सबको ध्यान में रख के ही तैयारी करना चाहिए, जो जी आपने लास्ट अटेम्प्ट में किया है। देर मस्ट यस बी सर इंटीग्रेटेड यस सर प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू। यस तो सर इसको ध्यान में रखते हुए जो अपना एक प्लान है, टाइम प्लान के प्री मेंस इंटरव्यू, वो तो एक स्टडी होना चाहिए। लेकिन प्रीलिम्स में जो खास बातें हैं ध्यान रखनी चाहिए, वो क्या क्या है जिसके कारण से एक श्योरिटी बने कि प्री में तो क्वालिफ सिलेक्शन में दिक्कत नहीं आएगी, वो क्या हो सकती है? सब प्री के लिए सबसे पहले आपको जो बेसिक सिलेबस है वो तो कवर करना ही है। अपने बेसिक सोर्सेज से आप रीडिंग तो आपकी वो कंप्लीट हो ही जानी चाहिए प्रीलिम्स से पहले। साथ ही साथ करंट अफेयर्स के लिए भी आपको सोर्सेज आइडेंटिफाई करने हैं कि प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स के लिए मैं इन इन सोर्सेज से करूंगी, क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत ही करंट अफेयर्स का स्कोप ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्रैक्टिस। अगर आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप जितना भी पढ़ लीजिए आपका अच्छा स्कोर नहीं बनेगा, और आप हमेशा कट ऑफ से नीचे ही रहेंगे। तो मैंने इस बार एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस किया था, क्योंकि मेरा 2 बार लास्ट 2 टाइम्स मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, तो मैं थोड़ा डरी भी हुई थी प्रीलिम्स को लेके कि इस बार प्रीलिम्स नहीं मेरा रुकना चाहिए। तो मैंने टेस्ट बहुत ज़्यादा दिए, मैंने लास्ट के 1 महीने में तो हर दिन 2 टेस्ट दिए हैं, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून में जीएस के। और साथ ही साथ मैंने एक टाइम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में दिए हैं। अगर जैसे 9 to 11 आपका प्रीलिम्स होता है डे टाइम में, तो उसी टाइम में बैठ के मैं अपनी टेबल पे उसी 2 घंटे में वो टेस्ट देती थी, और फिर बाद में उसको एनालाइज करती थी अपनी मिस्टेक्स को। प्रीलिम्स के लिए एक और होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम बहुत सारे अटेम्प्ट करेंगे तो ही हमारा क्लियर होगा, और कुछ लोग सोचते हैं कि हम थोड़ा कॉशियस होकर अटेम्प्ट करेंगे तो ही क्लियर होगा। तो ऐसा कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, ये सब हर कैंडिडेट का अलग अलग ऑप्टिमम नंबर होता है। तो ये ऑप्टिमम नंबर जानने के लिए आपको बहुत सारे टेस्ट देने पड़ेंगे। जब आप बहुत सारे टेस्ट देंगे तो आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करेंगे, और आप देखेंगे कि कहाँ आपकी नेगेटिव मार्किंग हो रही है, आप किस तरीके से मिस्टेक्स कर रहे हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर वो एक कारण है, या फिर आप वाइल्ड गेसेस कर रहे हैं, आप गेस वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या आपको 2 स्टेटमेंट्स में कंफ्यूजन हो रही है, या आप अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, तो बहुत से रीजंस हो सकते हैं जिससे आपके प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग हो रही है। तो आप उन रीजंस को आइडेंटिफाई करो, क्योंकि मैं मॉक्स देख के एक ऑब्जर्वेशन लिस्ट बनाती थी अपने डायरी में कि मेरे राइट। ऑब्जर्वेशन ये हैं कि मैं प्रीलिम्स में ऐसी ऐसी मिस्टेक्स कर रही हूँ, तो उससे मैं नेक्स्ट टेस्ट में वो मिस्टेक्स रिपीट ना करूँ, ये मैं ट्राई करती थी। तो ऐसे मैंने अपना एक ऑप्टिमम नंबर देखा कि अच्छा, इतने क्वेश्चंस अगर मैं कर रही हूँ तो मैं सेफ जोन में आ रही हूँ। तो फिर मैंने वैसा ही, मैंने जैसा मैंने मॉक में प्रैक्टिस किया था, वैसा ही मैंने रियल एग्जाम में प्रैक्टिस किया, तो उससे मेरा काफी सेफ स्कोर बन रहा था।
और फिर प्रिलिम्स भी मेरा क्लियर हो गया था इस वाले मतलब एडमिशन ये के आपके लिए। बात से निकलता है, प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। तो आपने प्रैक्टिस लिया यस और हर कोशिश से, जो फेलियर से सीखा कि क्या कमी। जी जी एक और आपने बहुत अच्छा डिटेल में समझा दिया, फिर भी एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपसे और चाहिए। जो ये क्या कि काफी सारे फैक्ट्स जी कॉन्सेप्ट दोनों का बड़ा चैलेंज होता है प्री में, मतलब जी मेन से ज्यादा चैलेंज हो जाता है। तो इसमें से इतने सारे चीजों को याद रखना और जी जिसमें कॉन्सेप्ट को, तो इस बारे में कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों को बैलेंस करते हुए कैसे आपने किया, और जो लोगों को सजेस्ट करना चाहिए ये बताइए जरा। जी सर, स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप सिर्फ फैक्ट्स पे ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि जो आप प्री में पढ़ रहे हैं वो आगे मेंस में भी काम आएगा। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं प्री के लिए तो आप सिर्फ फैक्ट्स नहीं याद कर सकते, क्योंकि आपको आंसर भी लिखना है एट दी एंड मेंस में। तो अब हम हमेशा अपनी रीडिंग जो करते हैं वो कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए करिए। आप अपनी नॉलेज को तो बढ़ा ही रहे हैं, बट अंडरस्टैंडिंग कभी पीछे नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि आजकल प्रीलिम्स में भी बहुत ही कंसेप्चुअल और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। सिर्फ एक फैक्ट बेस्ड पेपर नहीं रहा है प्रीलिम्स, बट हाँ प्रीलिम्स के लिए आपको फैक्ट्स याद करने की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए मैं कहूंगी कि लास्ट के जो 2-3 मंथ होते हैं उसमें आप अपनी फैक्चुअल नॉलेज को थोड़ा और एज दे सकते हैं। आप जैसे अगर कोई करंट अफेयर फैक्टली कुछ ऐसा आ रहा है जो मार्केट में, अगर कोई अच्छा सोर्स आपको दिख रहा है जिसमें फैक्ट्स थोड़े अच्छे दिए हुए हैं, तो वो टुवर्ड्स दी एंड जब प्रिलिम्स पास आ रहा है तब आप देख सकते हैं उसको। पर पहले मैं बोलूंगी कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तैयारी को साथ में रख के प्रिपेयर करने से जी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आ जाएगी। जी लेकिन बहुत चीजों को याद रखना, स्टूडेंट को याद आता है, पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, है ना। तो जी इसके लिए रिवीजन का कॉन्सेप्ट जो आपने जरूर डेवलप किया होगा, रिवीजन कैसे करती थी जो लोगों को बताया आप? जी मेरी बहुत लंबी जर्नी रही है, तो मेरे पास एंड तक आते आते काफी नॉलेज हो गई थी मैं कहूंगी। और मेरे को चीजें अपने आप ही याद रहती थी कि अगर कोई कॉन्सेप्ट आ भी रहा है नया, तो मुझे लगता था कि ये मैंने कहीं पढ़ा है, और मुझे उसका मीनिंग इंटरनली मुझे पता होता था कि हाँ इसका ये ही मीनिंग है। तो ऐसी कोई वो नहीं आई कि कुछ याद नहीं रह रहा है, क्योंकि आप इतना पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि आप भूल गए, पर जब आप वो क्वेश्चन देखते हैं तो आपका माइंड अपने आप आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये चीज मैंने पढ़ी हुई है और ये चीज ऐसे है। पर हाँ रिविजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लास्ट के जो 2 2 मंथ्स होते हैं प्रीलिम्स से पहले, उसमें आप कुछ भी नया मत पढ़िए, उसमें सिर्फ आप वही रिवाइज करिए जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जितनी भी आपकी बेसिक बुक्स है, करंट अफेयर मैगजीन्स हैं, नोट्स हैं, आप उनको रिवाइज करिए और साथ ही साथ टेस्ट देते रहिए। कुछ भी नया मत पढ़िए उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे नया पढ़ेंगे तो और ज्यादा आपको एंग्जाइटी होगी, स्ट्रेस होगा कि मैं और पढ़ रहा हूँ और इतना रहता है, इतना नहीं करा। तो उस स्टेज पे डरिए मत, उस स्टेज पे कॉन्फिडेंस रखिए कि जितना मैंने पढ़ा है उतने में से ही आएगा, उसको बस रिवाइज करिए और टेस्ट दीजिए बहुत सारे। एक एग्जामिनेशन स्किल की बात आती है, तो हो गया तैयारी, जी परफॉर्मेंस डे। बहुत सारे जी स्टूडेंट्स होते हैं, तैयारी खूब कर लिया, एग्जाम जी से नॉर्मल के जाके नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, जी गए और जी वहां से हम परफॉर्म नहीं कर पाए, तो उसमें जो सावधानियां रखनी चाहिए जी वो जरा सा बता दीजिए उसके बारे में। जी सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एक काम और कंपोज तरीके से एग्जाम दे, क्योंकि अगर आपने बहुत पढ़ा भी है पर आप अपने बेस्ट सेल्फ में नहीं है उस डे पे, तो आप अपनी परफॉर्मेंस को बहुत नेगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने प्रिलिम्स से 2-3 महीने पहले मैंने मेडिटेशन स्टार्ट कर दी थी। तो एवरी डे आई यूज टू वेक अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग, एंड आई यूज टू गो टू द पार्क, एंड आई यूज टू हैव 15-20 मिनट्स का वॉक नेचर में, जिससे मैं एकदम फ्रेश हो जाती थी। और उसके बाद वॉक के बाद मैं मेडिटेट करती थी फॉर 5-10 मिनट्स। तो इस पूरे में मुझे सिर्फ आधा घंटा लगता था सुबह उठने के बाद, पर इससे मेरा पूरे डे का जो मोमेंटम होता था वो बहुत सेट हो जाता था, मेरे टारगेट्स भी अचीव हो जाते थे और मैं बहुत ही काम माइंड रहती थी और फोकस्ड माइंड रहती थी। और प्रिलिम्स में सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप बिल्कुल फोकस तरीके से क्वेश्चंस को पढ़िए और उनको मार्क करिए। अगर आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड हैं या आपका फोकस क्लियर नहीं है तो आप गलतियां करेंगे, बहुत ही सिली सिली मिस्टेक्स करेंगे और वो आपको कॉस्ट करेंगी मार्क्स, और उससे फिर आप कट ऑफ लिमिट से नीचे रह जाएंगे। तो काम एंड कंपोज माइंड इज अ मस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन से पहले थोड़ा रेस्ट भी जरूरी है, क्योंकि कैंडिडेट लास्ट में तक पढ़ते रहते हैं और पता चला कि वहां जाकर के इफ यू गो मेंटली टायर्ड इन द एग्जामिनेशन जी हॉल जी यस योर परफॉर्मेंस विल गो डाउन। तो देयर मस्ट बी सर समथिंग स्लो डाउन। यस एग्जामिनेशन से पहले प्रॉपर रेस्ट लीजिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए, जी और एक जो आपने कहा कि एकदम उसी तरह के एनवायरमेंट में एग्जामिनेशन के देने की रोज आदत डाल लीजिए, जी जी लुक लाइक एक्सटेंशन कि आपने वहां जाके उसे कर लिया। जी जी चंद्रिमा, अब हम लोग थोड़ा मेंस की स्ट्रेटजी की बात करके, प्री और मेंस दोनों यस की जो
बेसिक नेचर है एग्जाम का, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, नेचर क्या है इसका? सर डिफरेंस ये है कि जो मेंस है वो बहुत ही डिफाइंड है. मेंस एग्जामिनेशन में अगर आप सिलेबस को देख के तैयारी करते हैं और आप आंसर राइटिंग पे फोकस करते हैं तो उसमें आपको एक बाउंड्री क्रिएटेड है जिस बाउंड्री से आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है. मेंस एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में कभी कभी थोड़े बहुत 1-2 क्वेश्चन थोड़े ऐसे आ जाते हैं जिससे आपको थोड़ा अनसेटल्ड फील होगा कि ये कैसा पेपर आ गया या कुछ ऐसा. पर मेंस जो है वो आपकी तैयारी पे बेस्ड है. अगर आपकी आपकी तैयारी अच्छी है आपकी प्लानिंग अच्छी है तो आप मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं. पर जो मेंस एग्जामिनेशन है वो आपका स्किल और आपका नॉलेज ज्यादा टेस्ट करता है एज कम्पेयर टू प्रीलिम्स एग्जाम. प्रीलिम्स एग्जाम एक टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन है. आपके सामने क्वेश्चन है आपको के सामने आंसर भी है. आपको उस आंसर को आइडेंटिफाई करना है अपनी नॉलेज और लॉजिक से. पर मेंस एग्जामिनेशन में आपको अपने वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करना है आपको अपने आइडियाज एक्सप्रेस करने हैं आपको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में आंसर लिखना है आपको अपना एनालिसिस दिखाना है कि मैं किस तरीके से एक इशू के बारे में सोच सकती हूँ उसका एक नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट उसका कंक्लूजन इंट्रो. तो मेंस एग्जामिनेशन आपका माइंड आपका माइंड की जो आइडियाज है और उसको जो जो आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको टेस्ट करती है. तो आई थिंक मेंस एग्जामिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट इट शुड बी. सब्जेक्ट फ्री में तो ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसके कारण से एग्जामिनर क्या चाहता है वो आपको उसमें देखना है बेस्ट ऑप्शन क्या है। देर यू हैव टू डेवलप द एक्यूमेन ऑफ सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑफ द ऑप्शन। लेकिन इन द मेन एग्जामिनेशन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी नाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, योर ओपिनियन, योर आर्टिकुलेशन, योर प्रेजेंटेशन स्किल, ऐसी चीजों को कोरिलेट कर सकते हैं जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये तीन बेसिक सेगमेंट जो मुझे दिखाई देता है मेंस में, एक ऐसे है, एक जनरल स्टडीज का कंपोनेंट और एक जो आपका ऑप्शनल, ये तीन बेसिक कंपोनेंट है। तो एक बेसिक ऑफ कोर्स एक ही इंटरव्यू में जितना अच्छी आप बात कर रही हैं सबको शायद कवर करना पॉसिबल नहीं हो, बट डेफिनेटली मैं आपको किसी और भी एक इंटरव्यू में आगे सब्जेक्ट वाइज भी बुलाऊंगा। दैट इज वेरी वेल। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीक्षा जैन है और सिविल सर्विसेज 2018 के एग्जाम में मेरी 22वीं रैंक आई है। मॉक इंटरव्यू इंटरव्यू के प्रेपरेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें आप लोगों को ना सिर्फ ही इंटरव्यू की प्रैक्टिस हो जाती है बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीडबैक मिलता है जिससे आप अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने चाणक्य आईएएस में मॉक इंटरव्यू दिया और मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। बहुत ही डाइवर्स टाइप के क्वेश्चंस भी मिले जिन पे मुझे ना सिर्फ ही तब आंसर करने का मौका मिला बट बाद में मैंने जाके सोचा भी और इसका मुझे अपने इंटरव्यू में बड़ा फ़ायदा हुआ। इसके अलावा एक एरिया जिसमें मेरी चाणक्य आईएएस के मॉक इंटरव्यू से बहुत हेल्प हुई वो था पॉलिटी और गवर्नेंस। मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे गए और मैं तब तो आंसर नहीं कर पाई बट मैंने घर जाके उनको अच्छे से पढ़ा और इंटरव्यू में जब उस फील्ड से फिर से सवाल आया तो मैं बहुत अच्छे से बेटर आंसर कर पाई। मॉक इंटरव्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आप अपने इंटरव्यू को मेंस और प्रीलिम्स जितनी इम्पोर्टेंस दें और ये बहुत बड़ा मार्कर होता है आपकी रैंक का। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी एंड थैंक यू सो मच। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक पहले एसे का स्ट्रेटजी बनाई कि हाउ टू डू वेल एंड प्रिपेयर फॉर एसे, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सर एसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है मेन एग्जामिनेशन का। अगर आप एसे में अच्छा स्कोर ले आते हैं तो अगर आपका जीएस में थोड़ा कम भी आ रहा है और किसी और सब्जेक्ट में लैग भी कर रहा है तो आप अच्छा मेंस का क्यूमुलेटिव स्कोर ला सकते हैं। तो एसे को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। कुछ लोग एसे की प्रेपरेशन नहीं करते हैं पर एसे के लिए जो नॉलेज बेस होता है आपका वो आपका जो भी आपने अभी तक पढ़ा है वो उसमें से आ जाता है। जो आपने जीएस के लिए पढ़ा है, जो ऑप्शनल के लिए पढ़ा है, उसमें से आप नॉलेज उठा के एसे में यूज कर सकते हैं किसी भी एसे पे। पर एसे के लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए क्योंकि एसे लिखना एक आर्ट है। एसे लिखना आप एक सिर्फ एक, एक कोई सही तरीका नहीं है एसे लिखने का, सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि एसे बहुत ही सब्जेक्टिव है तो उसमें आपको अपना एक पर्सनल स्टाइल एक्सप्रेस करना होता है एसे में और उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत से टेस्ट लिखे थे बिफोर मेन्स एसे टेस्ट और मैंने ऑलमोस्ट हर वीक ऐसे लिखा था तो उससे मेरी काफ़ी प्रैक्टिस हो गई थी। और क्योंकि मुझे
लिखना वैसे ही बहुत पसंद है, तो मैं अपनी जर्नल एक बना के रखती थी एक 1.5 साल से। तो उसमें भी मैं अपने डेली एक्सपीरियंसेस और किसी भी इशू के बारे में एक दो पैराग्राफ तो मैं वो लिखती रहती थी। तो ऐसे के लिए मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने एक नेचुरल स्टाइल ऑफ राइटिंग में अपना एस्से लिखा है, और जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो मेरे एस्से में 161 मार्क्स थे मेन मेन एग्जामिनेशन में। तो ये एस्से के मार्क्स उस टाइम के टॉपर के मार्क्स थे, जो मेरा मेन्स क्लियर नहीं हुआ था, पर एस्से मेरा हमेशा से अच्छा रहा है और लिखने मुझे हमेशा से अच्छा लगता है, तो उसके लिए ज़्यादा प्रेपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी बट इसमें एक्सेप्ट मुझे दिखाई आंसर देता राइटिंग। है कि आपने कहा कि आपसे दिख रहा है, जो कैंडिडेट्स को समझना चाहिए कि किसी चीज को आपने लाइटली नहीं लिया। आप लगातार ऐसे भी लिख रही हैं, तो 1 से वीक आप ऐसे भी लिख रही हैं, और आपने पहले अटेम्प्ट में ऐसे में इतना अच्छा नंबर लाया, नेचुरली इस अटेम्प्ट में आपको भी बहुत आए होंगे। कुछ बेसिक चीजें जो ऐसे की राइटिंग में, जो इंट्रोडक्शन, मिडिल और एंड, जो 3 कॉम्पोनेंट होता है, जो ध्यान रखना चाहिए, वो थोड़ा सा उसके ऊपर भी बताइए। जी सर, ऐसे में मैं अपना अगर बताऊं तो मैं ऐसे की स्टार्टिंग और एंड हमेशा कोट से करती थी। कोई भी अच्छा कोट जो उस ऐसे के टॉपिक को के साथ जस्टिस करे, जो उस पूरे टॉपिक को एक ही कोट में समझा दे, तो मैं ऐसे अपने ऐसे की स्टार्टिंग और एंड करती थी। और बीच में मैं अपने ऐसे में एनालिसिस दिखाने की कोशिश करती थी। कोई भी अगर टॉपिक है उसको मैं हर तरीके से एनालाइज कर पाऊँ, हर एस्पेक्ट से एनालाइज कर पाऊँ, तो वैसे मैं अपना ऐसे बनाती थी। और मेरी जो आंसर राइटिंग की जो वो है स्टाइल, वो बहुत ही सिंपल है। मैं कोई जार्गन यूज नहीं करती हूँ, मैं एकदम सिंपल वर्ड यूज करती हूँ। ऐसे राइटिंग में भी मैंने कभी कोई कॉम्प्लिकेटेड आइडिया या कुछ ऐसा यूज नहीं किया। मैंने सिंपल नेचुरल फ्लो में आंसर लिखा है, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, और उसको बस होलिस्टिकली एनालाइज करने की कोशिश की है। और उसमें थोड़ा बहुत आप डेटा या कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, जिससे कि ऐसे थोड़ा और रिफाइंड लगे, बट बेसिकली आपको सिंपल रखना है, ज़्यादा उसे कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ताकि जो एग्जामिनर है वो एंगेज हो पाए आपके ऐसे में। अगर वो सिंपल नहीं होगा तो एग्जामिनर को पढ़ने में मजा नहीं आएगा, वो समझने में ही लगा रहेगा ऐसे को। तो एक सिंपल नेचुरल फ्लो, एक अच्छा, कम्युनिकेशन बढ़िया होना चाहिए, राइट। जी, तो उसका एक हर पैराग्राफ को पहले पैराग्राफ से जोड़ के ऐसे लिखना है, क्योंकि ऐसे आपका 10 पेजेस में आता है एक ऐसे, तो आप कहीं पे भी ब्रेक नहीं कर सकते ऐसे का फ्लो। तो फ्लो बहुत जरूरी है, और एक अपने आइडियाज को अच्छे से प्रेजेंट करिए, उसका इंट्रो और कंक्लूजन में थोड़ा इम्पैक्टफुल रखिए, जिससे कि थोड़ा अलग सी बात लगे, और थोड़ा कोट रखिए, थिंकर्स को यूज करिए, तो वैसे तरीके से ऐसे अच्छा चला जाएगा। तो बेसिकली जो निकल कर आया कि फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेन एज लुसिड एंड क्लियर इन कम्युनिकेशन एज पॉसिबल, सो दैट कि एग्जामिनर को अननेसेसरी कोई दिमाग एक्स्ट्रा ना लगाना पड़े कि क्या समझे। तीसरी जो इम्पोर्टेंट आपने बात करी है वो कही कि हेड, मिडिल एंड टेल, ये इस ढंग से फ्लो होना चाहिए, जो कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन में समझ में आ जाए, उसका एक स्टेंजा बाय स्टेंजा उसका एक्सप्लेनेशन मिडिल बॉडी में आ जाए, एंड देन यू मस्ट कंक्लूड ऑल्सो इन ए वेरी ऑप्टिमिस्टिक वे, कि ताकि आपका एसए का जो ओपिनियन है वो ऑप्टिमिस्टिक नजर आना चाहिए। एक आपने कहा कि हर पर्सपेक्टिव से किया, तो हम ऑडियंस को बता दें कि आप कहना चाह रही हैं कि यू शुड ऑल्सो हैव ए लैटरल अप्रोच, हॉरिजेंटल अप्रोच, इंटरडिसिप्लिनरी एक्सप्रेशन यदि आप किसी टॉपिक पे दे सकते हैं, तो दैट इज वेरी मीनिंगफुल इन द एग्जाम, वेरी गुड। और उसके बाद हम थोड़ी चर्चा करते हैं जनरल स्टडीज का एक ओवरऑल अप्रोच जो है, जैसे सारे पेपर का अलग अलग नेचर है, पेपर 1, 2, 3, 4 सारे के अलग अलग नेचर है, तो जी एक हॉलिस्टिक प्रिपरेशन की कैसे हो सकता है चारों पेपर का, एक ब्रीफ में जरा बता दें। जी सर, GS 1, 2, 3 के कुछ जो पार्ट हैं सिलेबस के, वो ऑलरेडी हम प्री के लिए पढ़ चुके होते हैं। हाँ जैसे GS 1 में हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया, GS 2 में पॉलिटी लक्ष्मीकांत हो गया, GS 3 में आपका इकोनॉमिक्स हो गया, जो आप रमेश सिंह से या NCERT से कवर कर सकते हैं। फिर पेपर 3 के लिए आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है करंट अफेयर्स के उसमें, और एक इकोनॉमिक सर्वे और बजट आपको जरूर पढ़ना है, तो उससे आप अच्छे आंसर लिख पाएंगे, उससे GS 3 की प्रेपरेशन ऑलमोस्ट आपकी हो जाती है अच्छे से। सेकेंड पेपर के लिए राइटिंग जितने का लिमिटेड वर्ड का जो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा उसके बारे में जरा ध्यान दिलाइए कि लिमिटेड वर्ड में मैक्सिमम क्वालिटी इंफॉर्मेशन कैसे डाल सकें। जी सर, सर उसके लिए मैंने अपने आंसर राइटिंग को अगेन प्रैक्टिस किया। मैंने अपने आप घर में हर दिन प्रिलिम्स और मेंस के बीच में हर दिन मैं 2 क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिखती थी खुद से, और मैंने आंसर राइटिंग भी टेस्ट के थ्रू भी प्रैक्टिस की। उसमें भी यही मैं फॉलो करती थी। इंट्रोडक्शन में मैं कुछ डेटा देती थी, जैसे जिससे थोड़ा नॉलेज
लगे एग्जामिनर को कि इसको इन्फॉर्मेशन है, जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में। फिर अपनी बॉडी में मैं इशू को पूरा फिर से हर एंगल से एनालाइज करती थी। उसमें पॉइंटर्स में भी लिख सकते हो, पैराग्राफ में भी लिख सकते हो। फिर बॉडी में मैं डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स भी बनाने की कोशिश करती थी जहाँ पे भी सूटेबल लगता था, क्योंकि वो एकदम से आई कैचिंग होता है और वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है। तो डायग्राम्स को भी आप यूज करिए, मैप्स को आप यूज कर सकते हैं, जैसे इंडिया का मैप बनाकर कुछ शो करना है आपको तो उस तरीके से। फिर बहुत सी रिपोर्ट्स आती हैं, कमिटीज होती हैं जो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, बहुत से न्यूज में भी कुछ ऐसा आ जाता है जो आप एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में। तो इससे आपके आंसर्स को एज मिलती है। तो आप एक डायरी बनाइए जैसे मैंने बनाई थी, उस डायरी में आप ऐसे डेटा जो आपको मिल रहा है ना, जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हैं, वो डेटा आप उस डायरी में लिख लीजिए सारा। जैसे रिपोर्ट्स हो गई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कोई रिपोर्ट है अनएम्प्लॉयमेंट पे, या फिर कोई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है इकोनॉमी पे, या फिर कोई न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन की रिपोर्ट है किसी FAO की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, या कोई नीति आयोग की रिपोर्ट है, तो सेकेंड ARC हो गई, तो इन सब रिपोर्ट्स, लॉ कमीशन, इन सब रिपोर्ट्स का एक डेटा बैंक बनाइए अपने पास, जो आप किसी भी GS पेपर में, चाहे वो 1 हो, 2 या 2 हो, 3 या 4 हो, आप उसको डायरेक्टली अपने आंसर्स में यूज करिए, ताकि आपके आंसर्स थोड़े डिस्टिंक्टिव बने और थोड़े और अच्छे लगे बाकी कैंडिडेट से। तो इन सब इंफॉर्मेशन का यूज आप करें। आपके 4 अटेम्प्ट की सीरियस मेहनत का रिजल्ट दिख रहा है आपके आंसर में। ऑफकोर्स कहने के लिए आपके पास अभी बहुत कुछ है, और मेरे कोर्स से पूछने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक इंटरव्यू में सारा कवर करना मुश्किल होगा, तो इसलिए हम आपको जल्दी ही दूसरे इंटरव्यू में भी बुलाएंगे, जिसमें GS की एक एक चर्चा हम डिटेल में करेंगे, राइटिंग स्किल करेंगे, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी चर्चा करेंगे और आपके इंटरव्यू की भी चर्चा करेंगे। बट आज के इंटरव्यू में जाते जाते 2 इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हम आपका क्विक चाहेंगे। एक तो टाइम मैनेजमेंट, लोगों को बड़ा मिथ होता है कि बहुत घंटे पढ़ने होंगे, 14-15 घंटे पढ़ने होंगे तब IAS बनेगा। आपका अपना एवरेज ऑफ वर्किंग आवर कितने समय का था? सर मेरा जो टाइम टेबल था वो मैंने बनाया, और मैंने ऐसा नहीं कि एक बार ही बनाया स्टार्टिंग में और वही लास्ट तक स्टिक किया, पर मैं उसे 4-5 मंथ्स में अपना टाइम टेबल रिवाइज करती रहती थी कि अब थोड़ा अलग टाइम टेबल, या पर मैं टाइम टेबल हमेशा बना के रखती थी। और मैंने एक अर्ली वेकिंग अप और अर्ली स्लीपिंग वाली साइकिल डेवलप की इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। तो उससे एक डेली मोमेंटम सेट होता है, इंसान एनर्जेटिक रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में, खासकर अगर आप लेट अटेम्प्ट्स दे रहे हैं, 4th 5th अटेम्प्ट्स दे रहे हैं, तो आपकी एनर्जी लेवल डाउन नहीं होनी चाहिए, आपकी एनर्जी लेवल हमेशा हाई होनी चाहिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट के लिए वही टाइम टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बींग अकाउंटेबल फॉर एवरी आवर। अगर आप 2 घंटे इंजॉय भी कर रहे हैं, बाहर घूम के भी आ रहे हैं, दैट इज नॉट एन इशू, बल्कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं भी 15 डेज में बाहर जाती थी, 15 डेज में मैं थोड़ा ब्रेक लेती थी, एक दिन कुछ नहीं पढ़ाई की, एक दिन बाहर चले गए, थोड़ा घूम लिया, नेचर में वॉक कर ली, तो हर 15 डेज ये ब्रेक तो मेरा होता था, पर जो बाकी 15 डेज थे उसमें मैं अपना रूटीन फॉलो करती थी, जो टाइम उठने का है, फिर जो मेरे स्टडी सेशंस हैं, जो मेरा बीच में अगर मेरे को कोई RSTV पे वीडियो देखनी है ऑनलाइन, तो मैं उसका भी टाइम सेट करती थी कि हाँ इवनिंग में 5 to 6 में ऑनलाइन वीडियोस देखूंगी RSTV की, फिर उसके बाद डिनर टाइम, लंच टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम। तो ये सब आपको अपना एक शेड्यूल बनाना है, उस शेड्यूल को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, बीच में ब्रेक्स लेने हैं, बट शेड्यूल फॉलो आपको करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल ये सब चीजें टाइम मैनेजमेंट ऑफिसर बन के भी करना है, तो उस आदत को पहले डाल लें। एक एवरेज वर्किंग आवर आपकी स्टडी की कितने समझ सकते हैं जो रही होगी? सर मेरे 7 to 8 रहते थे। 7 to 8 hours के एक consistent approach रहा। And you have been a very good time manager. Very good. Chandrima, I have been interviewing so many people, but आपका जो बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, and I hope कि जो हमारे competition है future aspirants के लिए बहुत eye opening होगा, उनको लगेगा कि उनके दिल से बात निकल कर आ रही है। और आपको मैं कमिंग एपिसोड्स में भी आपको हम अपने साथ बात करना चाहेंगे। जी सर। सो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले करियर में, आपकी जो एक्सपीरियंस है, जो क्लैरिटी आपके थॉट्स में, आपके सर्विस में दिखाई देगा, इसे मेरी अपनी कहती है, तो मेरी शुभकामनाएं है। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू वेरी मच कमिंग इन दिस प्रोग्राम सक्सेस स्पीक्स। थैंक यू सो मच सर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, and press the bell icon to never miss an update.